बच्चे राइट्स प्योर उर्दू. कभी कभी बहुत हैवी उर्दू होता है, समझ में नहीं आता, बट पोएट्री समझाई गई तो इट वाज नाइस. वो एक था. दूसरा, भूपी अंकल का कंपोजिंग स्टाइल, सिंगिंग स्टाइल इज़ स्टैंडिंग नोट्स, जो इवन हायर रेंज में यू हैव टू हैव अ लॉट ऑफ ब्रेथ. तो उसके लिए थोड़ा एक्स्ट्रा प्रैक्टिस में मुझे जब गाने मिले, उसके बाद मेरे पास थोड़ा टाइम था जब मैं यहाँ पे आने वाली थी, तो आई यूज़ टू प्रैक्टिस एवरी सिंगल डे टू मेक श्योर कि मैं वो गाना यहाँ पे जब आऊँगी तो मैं ठीक से परफॉर्म कर पाऊँगी. वैसे तो तुम रहती हो अमेरिका में, यू आर ए वर्किंग लेडी, यस यस. सो हाउ डिड यू प्रैक्टिस एंड व्हाट मेड यू, किस वक्त प्रैक्टिस करते थे, किस तरह से? मेरे लिए सबसे काम टाइम इज़ जब मैं ऑफिस जाती हूँ और ऑफिस से आती हूँ, मैं अकेली कार में होती हूँ. तुम ड्राइव तो करती थी हाँ, और तो कब मैं से? अपना तानपुरा का सीडी गाने पे लगाती थी और जाते हुए मंद्र साधन करती थी, वापस आते हुए दूसरा प्रैक्टिस करती थी, गाना जर्क प्रैक्टिस करती जर्क थी वो ऐसे. आवाज़ वो नहीं होता था नहीं उसमें? नहीं ऐसे नहीं होता, वहाँ पे जर्क कम लगता है हाँ, रास्ते ठीक से नहीं ना. रास्ते ठीक होते हैं. होते। हाँ, तो मतलब जब आप गा गज़ल रही हैं, ऐसा नहीं हुआ कि ट्रैफिक पुलिसमैन ने रोक लिया और नहीं कहा कि नहीं, पहले मुझे भी सुनाई, नहीं नहीं ऐसा ऐसा नहीं क्या? नहीं. एक बार थोड़ा गाड़ी आगे टच हो गई थी किसी और के साथ, मैं ऐसे ऐसे गा रही थी, अपने दूसरे जोन में चली गई थी. बट हाँ, बट वो प्रैक्टिस ज़रूरी थी. तो जब नहीं, हमने पर रोक सुरीला अगर ट्रैफिक पुलिसमैन हो तो वो रोक के कहेगा पहले हमको सुना के जाओ, वरना भी नहीं जा वो भी सकते, तो सही है. बाकी ट्रैफिक रुका है तो रुका रहे, है हाँ, वो भी ना? सही है. ऐसा तो ऐसा जब नहीं हुआ. आपको गाने, चल. जब आपको गाने भेजे गए थे, तो हाँ सबसे पहले तो वो बोल आप खुद सुनते थे भूपी जी का? भूपी जी ने रिकॉर्ड करके भेजा था? हाँ वो बहुत हेल्पफुल हुआ, क्योंकि अगर ऐसे ही गाना भेजा है और उस पे बोल बिठाने हैं तो बहुत मुश्किल रहता है. बट उन्होंने गा के भेजा था, इसलिए मेरे लिए थोड़ा इजी रहा कि मैं सुनती थी. ऑलमोस्ट मोर देन 100 टाइम्स आई मस्ट हैव लिसन टू द सॉन्ग, तब जाके मैं उसको परफॉर्म कर पाई. हाँ. मैं तो अनगिनत कंपोजर्स के साथ काम किए हैं, लेकिन ऐसी क्या बात है जो भूपी जी के साथ, भूपी के साथ जब कंपोज करते हैं तो आपको बड़ी जाए? हैं तो बोलूँ ना. आप जब भूपी के साथ जब नॉन फिल्म नज़म करते थे, तो आपको किस तरह से आपको लगा कि एज ए कंपोजर, एज ए सिंगर, हाउ ही वॉज विथ यू? नहीं, भूपी मेरा ख्याल है लगने वाली बात क्या तो बोल रहे भूपी हैं, की थी बहुत कि बिल्कुल भूपी को नहीं. कैसा लगा. कि ये कहाँ से पल्ले पड़ गए, वरना अच्छा, ब्लैंक वर्स नहीं, कोई नहीं कंपोज करता था, कोई कंपोज नहीं करता था. 40 बरस पहले की बात है, 40 बरस लंबी छलांग है भूपेंद्र एज कंपोजर. कि उस जमाने में जब कोई राइम्स और काफिया मिला के उसके बगैर कोई बात ही नहीं करता था, कोई गाना हो ही नहीं सकता था, उस जमाने में ब्लैंक वर्स को लेके कंपोज करना वाज ए मिरेकल. इट वाज समथिंग समथिंग टोटली आउट ऑफ द बॉक्स, और मतलब किसी ने किया ही नहीं था उस जमाने में, किया भूपी ने और आज तक करता चला आ रहा है. इस दौरान मैं ये ज़रूर कहूँगा कि हाँ, गाने की फॉर्म्स अगर बदली हैं, कुछ चेंज हुआ है, तो उसमें विच भूपी एग्रीज विद मी कि इट इज़ ए आर रहमान हु हैज़ डन दिस, जिसके यहाँ वो ब्लैंक वर्ड्स की फॉर्म आ गई है करते करते. लेकिन वरना 40 साल पहले, और वो उसके यहाँ भी आई है तो मतलब वो बन गई है, या मैंने लिख लिए, बना दी है उसको, मैंने राइम्स नहीं मिला है दिल से. मैं जिस तरह गाने करते हुए मैंने राइम्स नहीं मिलने दिए, तो मैंने उसको ब्लैंक वर्ड से बना लिया. लेकिन मुझे हिम्मत हुई जब मैंने, आई नो कि वन कंपोजर हैज डन इट, आई कैन ट्राई इट. वो एग्जाम्पल जो है वो सिर्फ भूपेंद्र की, और किसी की नहीं, सिर्फ वो भी करता है. साईं आदमी आपने धुन बहुत में रहता है. नींद में रहता है, हाँ, नींद आती नहीं और नींद नींद में रहता है हमेशा. हमेशा ऐसे ही. जी, आपने बहुत अच्छा पहले भी कहा है कि अगर गोपी की आवाज़ के लिए आपने एक बार कहा था, गोपी
गोपी के आवाज के बारे में कि कैसी आवाज जो है ये क्या है, अगर मैं बार बार रिपीट करूंगा तो लोगों के लिए वो क्लिशे हो जाएगा कि नहीं ये देखो ये बार बार वही बात करते हैं। सब जानते हैं कि मैं मेरा बस चलता तो मैंने कहा था कि इसकी आवाज़ का तावीज़ बना के पहन लेता है ना। अब तो मुझे ये लगता है जितनी गजलें इसने गाई हैं मुझे नेकलेस बना लेना चाहिए तो, लेकिन मुझे जो सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट आज तक मिला है गोपी से, डू यू नो व्हाट इट इज, इस बार ये एल्बम करते हुए उन्होंने कहा लिख दो मुझे, आपके अल्फाज की आदत हो गई है, मैं कंपोज नहीं कर पाता अदरवाइज। आई थिंक दैट्स द बिगेस्ट कॉम्प्लीमेंट व्हिच आई गॉट फ्रॉम हिम। आदत हो गई आपके लफ्जों की, किसी शायर को अगर ये कंपोजर से ये अल्फाज मिल जाए कोई कह दे तो It was great. No, Dad actually, like, you know, without really saying, he really told me what to do. It was more like following. Sorry. Dad ne actually, bina shabdo ke, you know, thoda sa guide karke bata diya ki aise bajana hai. Nahi to actually, mera zyada experience nahi hai ye sab bajane mein, so I was thoda lost. But Dad helped a lot. Achha. Aur gaate waqt aapko kaisa laga ye gana? Baba ne jab sikhaya ki aise gao, to ग्रेट हेल्प इन वैशाखी सॉन्ग वही सावन में इन विच निहाल हैज प्लेड फर्स्ट म्यूजिक ऑन इलेक्ट्रिक गिटार and that he composed himself, that piece was that I've seen composed by Nihal himself and it's mostly composed by Bhupinder Singh. No, it was because I was consulting with you okay, what it should be like how it should be, you see. I mean mainly from your guidance because you are in this, your instrument, you know what to do so it couldn't be better than that, you see. Of course. He's a great guy. He's not that my son. My son. And बहुत अच्छा लगा, दिल पीर है. We wish everyone. भूमिताल के बारे में ज़रा बताइए. मैं भूमिताल के बारे में इतना ही कहूँगी. भूमिताल एक प्लेटफॉर्म, एक कोशिश है जो बच्चे हमेशा हमें पूछते हैं, अच्छा दीदी जब आप गाते हो तो इस लफ्ज़ों को आप कैसे गाते हो कि लोग समझ जाते हैं, कभी कभी समझाया भी जाते हैं. देखिए अभी दुर्भाग्य की बात है कि हमारे स्कूलों में से उर्दू नहीं है, कई लोग उर्दू नहीं समझते हैं, तो मुझे वहाँ समझाना पड़ता है. तो मैं सिंगर को बोलती हूँ अगर समझा भी दो तो वो आसान हो जाता है, लोग समझने लगते हैं. जैसे मैंने आज गुलजार साहब से पूछ रही थी कि राहगीर का एग्जैक्टली मतलब क्या है, और जो वो पीर है, दिल पीर है, जो वो समझा रहे थे कि वो एक पैगंबर भी नहीं, पीर का मतलब है जो उस्ताद. ये एक कहावत है ना, आस्किंग इज़ नोइंग, कि उसमें कोई बुरी बात नहीं है, सवाल करो हज़ार बार करो. और म्यूज़िक कोई एक सब्जेक्ट नहीं कि बीए कॉमर्स सब्जेक्ट पीएचडी कोई मायने नहीं रखता है. मैंने बहुत कुछ सीखा है शिवांगी से, मैंने कुछ बहुत कुछ सीखा है दोनों बच्चों से, मेरे बेटे से, जिस तरह से दे वेर फोकस्ड. आई एम लर्निंग फ्रॉम द यंगस्टर्स. हम थोड़ा सा गाइडेंस देते हैं लेकिन भूमिताल यही है कि इट्स अ एक्सचेंज ऑफ द यंगस्टर्स एंड अस, कि ऐसे गाओ ऐसे करो और खिल के आए बच्चे आगे, यही मेरी कोशिश है.